रहेंगे, व्यूज लें उससे पहले न्यूज देखिएगा। उपचुनाव के लिए प्रदेश में सियासत का मैदान सज गया है। प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही बीजेपी कांग्रेस जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर करण सिंह ने नामांकन भर दिया है और अपनी जीत का दावा ठोक दिया है, लेकिन अलवर में कांग्रेस के लिए बागी चुनौती बने हुए हैं। करण सिंह यादव जी के पक्ष में पूरे अलवर जिले में एक एक बच्चा, बुजुर्ग, महिला, नौजवान, शहर, गांव सब लोग मिलकर इनका समर्थन कर रहे हैं। अजीत जी क्या ये कांग्रेस के एक कांग्रेस को गांधी मार करते हैं? कांग्रेस को मुक्त करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाले देश से। वहीं अजमेर लोकसभा उपचुनाव में भी बीजेपी ने संघ और स्थानीय नेताओं के विरोध के बावजूद स्वर्गीय सांवरलाल जाट के पुत्र राम स्वरूप लांबा को मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी बागियों पर कंट्रोल कर पाना चुनौती से कम नहीं होगा। विकास के मुद्दे जो मेरे पिताजी और हमारे सांसद ने जो अजमेर जिले के लिए काम करवाए हैं। बहरहाल प्रदेश में उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन किस पार्टी को जीत मिलेगी ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि बीजेपी जहां अपनी सीटें बचाने की रणनीति बनाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस भी बागियों को संतुष्ट कर जीत दर्ज करना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या उपचुनाव आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। नामों का ऐलान हो चुका और किसी भी मैच का महत्वपूर्ण होना इस बात से पता चलता है कि स्टेक पर, दांव पर क्या है। और अगर आने वाला विधानसभा चुनाव इन चुनावों के कारण प्रभावित होने वाला है या उसका सीधा प्रभाव, सीधा इंपैक्ट कार्यकर्ताओं पर, किसी भी पार्टी के पड़ेगा, तो फिर क्या इसे सेमीफाइनल कह दिया जाए? तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। अर्चना शर्मा जी पीसीसी उपाध्यक्ष हमारे साथ रहेंगे। अर्चना जी स्वागत है आपका। रामलाल शर्मा जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रामलाल जी आपका स्वागत है। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार अजमेर से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उपचुनाव अजमेर में भी है तो महत्वपूर्ण बातें होंगी। मैं रामलाल जी आपसे पूछ रहा हूं, सर सेमीफाइनल मान रहे हैं क्या सर इसे? देखिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के अंदर भी जहां दो लोकसभा एक विधानसभा का उपचुनाव है, तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हर चुनाव गंभीरता पूर्वक लड़ा जाएगा। हर चुनाव एक मुद्दे के आधार पर जो पिछले 4 साल के देखिए साहब बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति बनी, मैं आपको बताता हूँ। बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति बनी रामलाल जी, जब धौलपुर के चुनाव हुए आपको लगा इसके बाद में चुनाव नहीं होंगे, है ना? आपने कहा ये सेमीफाइनल था, इसका इंपैक्ट पड़ेगा और ये अगर कांग्रेस बोलती है सेमीफाइनल था तो आप देखिए क्या रिजल्ट हमारे आए। बड़ा अनफॉर्चुनेट घटनाक्रम रहा अलवर के लिए, मांडलगढ़ के लिए, अजमेर के लिए, लेकिन फिर से चुनाव हो रहे हैं, है ना सर? मान लीजिए ना सर सेमीफाइनल है, सबके महत्वपूर्ण क्यों बता रहे? जनता पार्टी ने किसी चुनाव को सेमीफाइनल की संज्ञा नहीं दी। सेमीफाइनल की संज्ञा तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि धौलपुर का उपचुनाव प्रदेश की ये दिशा तय करेगा कि सरकार ने कैसा कार्य किया है। और धौलपुर के चुनाव 35,000 से अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। धौलपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को स्वीकार किया है। पिछले 4 साल के अंदर जो मुद्दे थे जनहित से जुड़े हुए, उन मुद्दों का समाधान हुआ है तो उनको स्वीकार किया है। ठीक है अर्चना जी आपके पास मैं आ रहा हूं। सेमीफाइनल मान रही हैं क्या आप? जी। एक और सेमीफाइनल धौलपुर के बाद में आपके हिसाब से? देखिए राहुल जी, हमने कभी भी धौलपुर चुनाव को सेमीफाइनल नहीं कहा था। अच्छा। हमने ये कहा था कि सरकार जिस तरह की कार्य प्रणाली के साथ चल रही है उस पर मैंडेट होगा और सरकार को ये चीज महसूस हो गई थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है उसकी वो सच है। इसलिए उन्होंने जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए, जिस प्रकार की परिणति उन्होंने चुनाव की उसका नतीजा था कि जीते तो जरूर
लेकिन मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार के बाद वहां की मतदाता नहीं होने के बावजूद वहां चोटिल होने का बहाना करके रुकना पड़ा और हर प्रकार के हथकंडे अपने। खैर उस बात को हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन देखिए राहुल जी संजीदगी तो इसी में है कि हम उस प्रश्न का सीधा जवाब दें जो आपने कहा सेमीफाइनल। देखिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दोहराए नहीं, क्योंकि अब इसके बाद जो चुनाव होंगे 8 महीने बाद, वो विधानसभा के चुनाव 6-8 महीने बाद जो भी एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बड़ी उत्साह में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, अगर स्वीकार करेंगे तो फिर भूलना भी नहीं चाहिए कि जब प्रचंड बहुमत से केंद्र में आते हैं, दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं, तो उसके तुरंत बाद बिहार और दिल्ली में हार जाते हैं विधानसभा चुनाव। तो हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है और उसको लेकर के उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन रही बात बीजेपी की, तो ये 4 साल का कार्यकाल जिस प्रकार का निकला उसका आप अंदाजा लगाइए कि आज आपको फिर रीलॉन्चिंग करवानी पड़ रही है पुराने प्रोजेक्ट की। आपने प्रधानमंत्री को जब बुलाया रीलॉन्चिंग के लिए बुलाया, इससे पूर्व बुलाया तो सॉइल कार्ड की रीलॉन्चिंग करवा ली, अब आप रिफाइनरी की चर्चा कर रही हो। चुनाव में हर मुद्दा महत्वपूर्ण होगा, सेमीफाइनल है ना, मतलब आपके ये बताइए कुछ उपलब्धि होती आप अजमेर और रीलॉन्चिंग के ऊपर ही क्यों अटक जाते हैं। नहीं सेमीफाइनल है ना मैडम, बात वही है, आपने मुद्दों की बात की ना विकास, तो मैं आपके उस विकास को आईना दिखा रही हूँ। ठीक है, नाम पर रीलॉन्चिंग होती है, कोई उपलब्धि विशेष अपनी हो जिसको लेकर के चुनाव में ताल ठोक सकते हो। हमें चुनाव पर आ रही है, सेमीफाइनल है ना अर्चना जी, सेमीफाइनल है कि नहीं है, क्या है जो सेमीफाइनल है कि नहीं अर्चना जी, सेमीफाइनल है कि नहीं, सेमीफाइनल है ना, प्रत्याशियों को ही देख लो आप कि आप सेमीफाइनल है ना। क्या दिया आपने एक ऐसे दिवंगत सांसद के पुत्र को दे दिया टिकट जिसकी स्वीकार्यता पार्टी में नहीं है अजमेर। अच्छा ये मतलब आपको तय करना था, अच्छा ये तो आपके लिए अच्छा हुआ ना आपके हिसाब से, स्वीकार्यता नहीं है, मैं इसी पे आने वाला हूँ, सबको सबको दूसरों के घोट दिख रहे हैं, मैं सब मैं सब पे आऊंगा एक एक करके। मित्तल साहब बड़ी देर से सुन रहे हैं, मित्तल साहब बड़ी देर से सुन रहे हैं, मित्तल सर सेमीफाइनल है कि नहीं है, मित्तल सर सेमीफाइनल है कि नहीं है, उसके बाद आप देते हो। ठीक है मित्तल सर, मित्तल सर बेटे की बहू को सुन लीजिए ना, रामलाल जी, रामलाल जी सुन लीजिए ना, मित्तल सर बोल रहे जी, मैं तो सुन ही रहा हूँ राहुल जी। हाँ रामलाल जी एक मिनट, राहुल भाई, राहुल भाई मैं रामलाल जी को अर्चना जी को दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे धौलपुर का बात आई ना, तो धौलपुर से पहले जो नसीराबाद अजमेर जिले में जो नसीराबाद है वहां भी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और वहां कांग्रेस जीती थी वहां, तो बराबर की स्थिति है, यदि एक उपचुनाव विधानसभा का कांग्रेस जीती है तो एक भारतीय जनता पार्टी जीती है। राज्यसभा सेमीफाइनल का तो मेरा ये मानना है कि ये वाकई सेमीफाइनल है और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण दोनों तीनों चुनाव, 2 लोकसभा के और 1 विधानसभा के चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है। आज हमने अलवर में देखा कि कांग्रेस के सारे नेता अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे, रामेश्वर डूंडी, जितने भी तमाम नेता थे जिनके बारे सीपी जोशी, मोहन प्रकाश, मतलब 3 राष्ट्रीय महासचिव, हम कांग्रेस के लिए लेके ये बात आ रही थी कि साहब इनमें थोड़ा विरोध विवाद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज इन्होंने अलवर में इस बात का प्रदर्शन किया है कि कांग्रेस पूरे चुनाव को लेकर एकजुट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जब भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में ये नामांकन भरा जाएगा, प्रत्याशी भरेंगे कांग्रेस के, तो ये सारे के सारे नेता वहां जाएंगे और 10 जनवरी को जब अंतिम दिन होगा तो सारे नेता ही अजमेर आएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई कांग्रेस जो है वो एकजुट है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, 11 महीने बाद 10 महीने बाद वहां चुनाव राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, मेरा यह मानना है बिल्कुल ये सेमीफाइनल है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देखिए कि 200 में से 17 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, तो क्या 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं के मिजाज से ये पता नहीं चलेगा कि 10 महीने बाद जब आम चुनाव होगा विधानसभा का? तो मित्तल साहब मैं फटाफट आपसे एक और कमेंट लेता हूँ, फटाफट मित्तल सर एक और कमेंट लेता हूँ, आपने क्या कहा कांग्रेस, आपने कहा सर अलवर में दिखाने की कोशिश की कांग्रेस, देखना होगा मित्तल सर तंग होने के बाद, मित्तल सर आपने कहा कांग्रेस ने अलवर में एकजुटता दिखाने की कोशिश की, मांडलगढ़ में भी दिखाएंगे, अजमेर में भी दिखाएंगे, एक होता सर दिखाने की बात, एक होती है सर होने की बात, आपको लगता है वो एकजुटता? नहीं राहुल भाई, मेरा ये मानना है कि जो गुजरात चुनाव के परिणाम आए उससे कांग्रेस में भी उत्साह है और ये जो एकजुटता दिखाई गई है ये आलाकमान के निर्देश पर ही दिखाई गई है। मुझे फिलहाल अभी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नजर आ रही हो। ठीक है रामलाल जी, मित्तल जी के हिसाब से, मित्तल सर के हिसाब से आपको चिंता करनी चाहिए, अभी तक जो त्रिकोणीय दिख रहे थे वो अब एक एक पॉइंट पर है सर, एक साथ हैं।
राहुल जी सबसे पहले तो मैं एक बात अर्चना जी से पूछना चाहूंगा। नहीं पहले आप मेरा जवाब दे दीजिए, अर्चना जी से बाद में पूछ लीजिएगा सर, पहले मेरा जवाब दे दीजिए। नहीं नहीं राहुल जी मैं ये जवाब इसी के अंदर शामिल है। अलवर से पिछली बार जितेंद्र सिंह जी ने चुनाव लड़ा था सांसद के लिए, अजमेर से सचिन पायलट जी ने चुनाव लड़ा था सांसद के लिए, आखिरकार दोनों के दोनों मैदान क्यों छोड़ गए, क्यों उन्होंने अपने उम्मीदवार के साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ा? मैं तो ये कहता हूँ रामलाल जी सुनिए, मतलब की रामलाल जी सुनिए, कांग्रेस मुझे आपत्ति है, स्वीकार कर चुके हैं, मुझे आपत्ति है। अब क्या हो, बीजेपी तो कांग्रेस से पूछ के टिकट दे दे, कांग्रेस बीजेपी से पूछ के टिकट दे दे, भाई साहब क्यों दे दे रामलाल जी? अब आप अर्चना जी को बीजेपी के टिकट पर दिक्कत है, रामलाल जी को कांग्रेस के टिकट पर दिक्कत है, मैदान क्यों छोड़ के गए? नहीं नहीं राहुल जी, यही तो बात है कि आप कितना एक गंभीर चुनाव में कितनी सुपरफिशियल बातें करके आत्मसंतोष देना चाहते हो अपने आप को। अगर आपको ऐसे ही लगता है तो फिर काय के लिए विचरण कर रही थी मुख्यमंत्री चुनाव की तिथियां घोषित होने से पहले, कभी अजमेर जा रही है कभी अलवर जा रही है बिना बजट के। अर्चना जी एकजुट है क्या? चलिए आप छोड़िए अर्चना जी, इसमें नहीं बोल रही ये बताइए एकजुट है क्या पार्टी? आप मुझे बताइए पार्टी एकजुट है क्या? भ्रमण कर रही थी बिना फंड एलोकेशन के, कैसे घोषणाएं कर रही थी पार्टी एकजुट है क्या? बौखलाहट और डर वहां था पार्टी एकजुट है क्या? आपके प्रत्याशियों की तुलना हमारे से कर लीजिए, पता चल जाएगा कौन किसका पलड़ा भारी है। अर्चना जी पार्टी अर्चना जी वसुंधरा जी तो झुंझुनू भी गई है, झुंझुनू में कौन सा उपचुनाव है? में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन कर रहे हो, प्रदेश का दौरा कर रही है, बांसवाड़ा के अंदर भी है, उदयपुर के अंदर भी मुख्यमंत्री जा रही है। राहुल जी एक तो इको की प्रॉब्लम है, दौरा कर रही है, सुनने नहीं देते, गंभीरता ही खत्म हो जाएगी डिबेट। मैं अर्चना जी आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप क्या एक दूसरे से सवाल पूछते हो एक दूसरे को उत्तर देते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या पार्टी एकजुट है जो मित्तल साहब बता रहे थे अर्चना जी आपकी? अब तो एकजुट है, देखिए हम पहले भी एकजुट थे और हमेशा एकजुट रहेंगे, और उसी का परिणाम है कि जब हमारा इतना बड़ा डिबैकल हुआ उसके बाद हमने हर चुनाव में अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया। उपचुनाव 5 में से 3 हमने जीते, धौलपुर को इसलिए हम अलग निकाल देते हैं क्योंकि वहां तो जो हुआ पूरे राजस्थान जानता है। उसके बाद के अभी जिला परिषद निकायों के पंचायत समिति के सब में हम लोग जीत रहे, उसके बाद भी मुगालता पाल करके बैठे हैं कि कांग्रेस जो है वो इसकी स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग एकजुट है, पूरी कलेक्टिव लीडरशिप है और प्रत्येक हमारे नेता संकल्पबद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी से पूरे प्रदेश को छुटकारा दिलवाना है। जनता उम्मीद से देख रही है बीजेपी मुक्त राजस्थान, ये बोल रही है क्या? महसूस हो गया कि ये सत्ता में बीजेपी मुक्त राजस्थान, ये बोल रही है क्या? देखिए ऐसी शब्दावलियों का हम इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि ऐसे रेटोरिक बोल बोल के जनता को मुगालते में रखने की प्रक्रिया शुरू, लेकिन जनता चाहती है कि ऐसे जुमलों से मुक्ति मिले, वास्तविकता की बात हो, विकास की बात हो, आईना दिखाया जाए, सच्चाई पर इनकी कसौटी पर इनको कसा जाए, वो काम हम कर रहे हैं। बहुत मित्तल साहब को जोड़ रहे हैं, जिम्मेदार विपक्ष क्या होता है? मित्तल साहब को जोड़ रहे हैं, मित्तल सर भाई है, मित्तल सर मैं अर्चना जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अपनी कोई रणनीति बनाई है, या कांग्रेस इसलिए खुश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जो माहौल है उसका इस उपचुनाव में फायदा उठाया जाए? ये बात देखिए मित्तल साहब आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छा विश्लेषण करते हैं, लेकिन आप इस चीज को महसूस भी करेंगे कि एक पार्टी जो चुनाव के समर में जाती है उसके सामने दो चीजें होती हैं। यदि वो हारी हुई पार्टी है तो सत्ता में बैठे लोगों की कसौटी पर कितना कस सकते हैं उनको, वो भी हमें जनता के बीच में ले जाना है, उनकी खामियों को भी गिनाना है। लेकिन हमारा सौभाग्य सबसे बड़ा ये है कि आज हमारे पास पूर्ववर्ती शासन की वो स्वर्णिम योजनाएं भी है जिनको ले जाने के लिए, उनको बताने के लिए हमें कोई परहेज नहीं करना पड़ा, जनता हाथों हाथ हमें लेती है। आज जनता ये कहती है कि पूर्ववर्ती शासन की फ्री मेडिसिन स्कीम उसको जनता आज वापस चाहती है, पूर्ववर्ती शासन का विकास जो उस पर जनता मोहर लगाना चाहती है वापस से। तो हमारे पास कोई दुविधा नहीं, हमारे शासन की पूर्ववर्ती शासन की उपलब्धियां, हमारा सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति और इन लोगों का जो एक गलत कार्यप्रणाली थी जिसने जनता का में आक्रोश व्याप्त करवाया, भ्रष्टाचार को बढ़ाया, महिला एट्रोसिटीज को बढ़ाया, महंगाई को बढ़ाया और जनता से संवादहीनता रखी, वो सारी चीजें। अब जवाब दे दीजिए रामलाल जी, अब जवाब दे दीजिए रामलाल, मेरा यही सवाल आपसे रामलाल जी, आप क्या आपकी आपकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी है रामलाल जी? रामलाल जी आपकी अपनी कोई, मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ वही मित्तल सर के सवाल को। राहुल जी आपकी तो एक ही स्ट्रेटेजी है, अरे अर्चना जी की रिलॉन्चिंग कराएंगे, मेरी मेरा सवाल तो होने दो अपनी कोई विषय, अरे अर्चना जी मेरा सवाल होने दो, अर्चना जी मेरा सवाल तो होने दो, आप सवाल भी पूछ ले उत्तर भी दे ले फिर, मैं रामलाल जी पूछ रहा हूँ मेरी सवाल जी, अर्चना जी रामलाल जी मेरा सवाल सुनिए, अर्चना जी का जवाब नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सरकार की योजना रामलाल जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, स्वर्णिम योजना मैं आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है।
रामलाल जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक मिनट राहुल जी, अगर अर्चना जी आपकी योजना इतनी स्वर्णिम थी तो भाई 22 सीटों के ऊपर जनता ने क्यों ना आपको नकारा? तो जनता को एहसास हो गया आपकी योजनाएं अच्छी नहीं थी, इसीलिए तो आपको नकारा। अगर योजनाएं अच्छी होती तो स्वीकार थी। योजनाएं तो बना रही नहीं है, कुछ कर नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ाओ, महंगाई बढ़ाओ, अब जनता इसका जवाब देगी आपको। स्वीकार कर रही है हमारी योजनाओं को, जनता स्वीकार कर रही है। ठीक है, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या है रामलाल जी, हमें बता दीजिए। रामलाल जी, एक आध योजना गिना दो आज, ईमानदारी से आप विधायक हो और अच्छे नेता हो, प्लीज आप एक आध योजना गिना दो जिसके नाम पर आप चुनाव में जाओ। वो काला कानून, वो भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला खनन घोटाला, वो भ्रष्ट अधिकारियों को वापस पुनर्स्थापित करने की नीति और वो नीति जिसमें आपका केंद्र से समन्वय नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलता, हर योजना जो है वो फंड के कारण अटकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इलाज नहीं मिलता, कहाँ नहीं मिलता आप अपने क्षेत्र में जाके देखो, जनता आपसे विधानसभा के अंदर 18 करोड़ रुपए की निःशुल्क दवाइयाँ दी है, 18 करोड़ रुपए की योजना थी ना, कोई योजना नहीं थी, थोड़ी थी 30,000 रुपए की योजना थी, इलाज सरकार करा रही है, जहर बताया था अर्चना जी, 3,000 रुपए की। अरे ये बड़ा तू मेमो है, नहीं कोई नहीं हो रहा, दवाइयाँ तो पूरी नहीं थी, कहाँ की योजना है? एक मिनट लंबी सांस लेते हैं, दवाइयों को तो ऑपरेशन के काम में डाइवर्ट कर दिया बजट। अच्छा ठीक है, ठीक है राहुल जी, ठीक है, नहीं एक सेकंड अर्चना जी सुनिए तो सही। अरे मैडम सुनिए, मैं रामलाल जी से पूछ रहा था कुछ, कह रहा आपने मौका नहीं दिया, अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं रामलाल जी आपसे पूछ रहा था आपकी क्या स्ट्रेटेजी है सर, या फिर आप यही बोलेंगे कमजोर विपक्ष है, आप बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं चुनावों को। देखिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या सर, मुझे थोड़ा सा बताइए। देखिए राहुल जी, या बहुत गोपनीय है, देखिए राहुल जी प्रदेश के सामने नहीं आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल राहुल जी, मैं वही चीज बता रहा हूँ, हमारी रणनीति है, हम मुख्यमंत्री जी के विकास को जन तक लोगों तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने का काम हम करेंगे, कांग्रेस की तरह मुगालते में रखकर जनता को भ्रमित करने का काम हम नहीं करेंगे। पिछले 4 साल में सरकार ने जो काम किया है, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो, चाहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना हो, अनेकों योजना है जिनको लोगों का वास्तविकता के अंदर उनका लाभ मिला है। मेरा तो ठीक है, आपने चीजें बता दी। आप मित्तल सर, मैं आपके पास में आ रहा हूं। देखिए चुनाव दो जगह लोकसभा के हैं सर, एक जगह विधानसभा का है, आपको नहीं लगता सर मुद्दे बड़े खिचड़ पिचड़ हो गए? राहुल जी मुद्दे के मित्तल सर चुनाव लड़ेंगे, मुद्दे तो राहुल जी चाहे मुद्दा नहीं है, बस मुद्दे के नाम पे लड़ेंगे, बस मुद्दा नहीं है बताने के लिए, मुद्दा बताने के लिए पिछले 4 साल के अंदर जो काम किए उन कामों को और आगे बढ़ाने। मित्तल सर कहिए राहुल भाई, मैं अर्चना जी 20 योजनाएं तो मैंने बता दी जिनका लाभ सीधा राहुल भाई मुद्दे इसमें राहुल भाई इसमें कोई दोराय नहीं है। राहुल भाई इसमें एक सड़क की रिपेयर, रामलाल जी एक मिनट सुनिए आप, रामलाल एक मिनट बोर्ड के द्वारा सुनिए रामलाल जी, मित्तल सर कुछ कह रहे हैं, एक रुपया खर्च नहीं किया किसानों को, फिर भुगतान बोर्ड के द्वारा खर्च नहीं किया, 70,000 करोड़ के बावजूद। अरे ठीक है, ठंड पड़ रही है, इतना गर्म होने की जरूरत क्या है? हर आंदोलन का दमन क्या, बेरोजगारी का, सुन लीजिए सर, युवा आबादी, ठीक है आता हूँ मित्तल सर, इनको खत्म करने दीजिए, संविदा कर्मियों को घर बिठा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, महिला उत्पीड़न अर्चना जी रटी रटाई नहीं है, ठीक। हाँ मित्तल सर हो गया, हाँ एक मिनट, मैं राहुल भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी वाद विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं मानता हूं इस बात को कि कोई भी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ऐसी योजनाएं लाती है जो जनता के हित की होती है, जनता के हित की योजना नहीं लाएगी तो लोग इनको वोट नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ? अभी रामलाल जी जो इतनी भी योजनाएं गिना रहे हैं, क्या उनका पूरा का पूरा लाभ आम जनता को मिला? मैं उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे अजमेर के अंदर किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, राहुल भाई आज 2 महीने हो गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अजमेर से उदयपुर का 9 सीटर का एक विमान चला है, आज तक भी अजमेर से दिल्ली की सेवा शुरू नहीं हो सकी है, 24 घंटे में 9 लोगों को लाते ले जाते हैं अजमेर उदयपुर के बीच में, उसमें भी जो किराया है 5,000 रुपए का, उसमें 2,500 रुपए सरकार अनुदान दे रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने योजनाएं लागू की है, लाए आप, लेकिन उनकी क्रियान्विति कितनी हो रही है? ठीक है रामलाल जी। जी राहुल जी देखिए, आज एक भी योजना ऐसी नहीं है जो धरातल के ऊपर उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा हो सकता है। मैं इस मित्तल साहब की कुछ बातों को स्वीकार करता हूं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जिन क्षेत्रों के अंदर योजनाओं का गुण अवगुण के आधार पर उनका लाभ नहीं पहुंचेगा, लेकिन आज वास्तविकता के अंदर है। राहुल जी आप किसी भी एजेंसी से आप सर्वे करा लो, मैं मेरी विधानसभा की कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ
30,000 रुपए से लेकर 3,00,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज, ऑपरेशन भी उसके प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी। आज जनता डिमांड अगर कोई लेकर आती है, पहले लोग आते थे कि मेरे को कलेक्टर के पास एप्लीकेशन आती कि मुझे बीपीएल में जोड़ा जाए, आज लोग लेकर आते हैं कि नहीं साहब बीपीएल में नहीं, मेरा ऑपरेशन होना है, मुझे खाद्य सुरक्षा सूची में। किसी योजना की डिमांड बढ़ना इस बात को प्रमाणित करती है कि उस योजना के प्रति जनता को लगाव भी है और उस योजना का लाभ भी जनता को मिल रहा है। एक योजना नहीं, आज मैं अर्चना जी से कहना चाहूंगा, एक भी किलोमीटर सीसी सड़क आपके कार्यकाल के अंदर अगर गाँव के अंदर बनी है तो आप बता दो ना, कृषि विपणन बोर्ड से एक किलोमीटर सड़क आपकी सरकार ने नहीं बनाई, सड़क का दावा किया आज तक नहीं बनी। देखो रामलाल जी, बात बताने लायक तो वही होती है जो सीखा रहे हो, आपके ऐसे तोता रटन से नहीं होगा। सड़क बना के पानी बना सिंचाई योजना आज तक बिना काम उसका शुरू नहीं हुआ, क्योंकि आपका द्वेष था, आपने द्वेषतावश महत्वपूर्ण योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाला। और एक बात आप भी सुनिए, हो सकता है आप संजीदगी के साथ राजनीति करते हो क्योंकि आपको फिर चुनाव जीतने की आकांक्षा है, लेकिन अधिकांश विधायकों के क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। मित्तल साहब ने गिनवा दिया आपको अजमेर की परिस्थिति, 4 वर्षों तक आपने एयरपोर्ट की सुध नहीं ली, जैसे ही उपचुनाव की स्थिति आई तो आपने जाकर के उसके लिए घोषणा कर दी। इसी प्रकार से अलवर में जाके कॉलेज हॉस्पिटल्स न जाने क्या क्या घोषणाएं करो, लेकिन सच्चाई ये है आपके गवर्नेंस के लेवल पर आप जीरो रहे, आप जनता को एड्रेस नहीं कर पाए, उसके ग्रीवेंसेस को नहीं समाधान। राहुल जी फटाफट आंसर कीजिए, सबसे बड़ी विडंबना ये फटाफट उत्तर कर दीजिए। आपके नेताओं ने आपको कटघरे में खड़ा किया, आप जवाब नहीं दे पाए। वसुंधरा जी ने स्वयं जिलों के अंदर जाके एक एक विधानसभा का दौरा करके आप कर रही है जातिगत आधार पर मिल रही है, जो विधानसभा के अंदर जनता की सुनवाई कर रही है उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान कर रही है। किसी सुनवाई का समाधान नहीं होता, जब चुनाव होता है तब आप सुनवाई करते हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो जिले स्तर की पंचायत बार जिला स्तरों पर गए, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये उत्तर है। ये बहस का ही वक्त है, मक्खी तो जनता भी नहीं, ये बहस का ही वक्त है। संस्थापकों को तो जनता भी बहस कर रही है, जनता देख और ये तोल भी रही है, सतोल भी रही है कि वोट किसको देना है। 17 विधानसभा सीटें हैं जहां से रेफरेंडम होना है, अगर दोनों ही पार्टी ऐसे मानती है कि एक रेफरेंडम है, ये एक लिटमस टेस्ट है, ये एक सेमीफाइनल है। आज हमने दिन भर प्रदेश की जनता से सवाल पूछा, राजनीतिक दल क्या मानते नहीं मानते, लेकिन प्रदेश की जनता से हमने सवाल पूछा कि क्या वो इस बार के चुनाव को सेमीफाइनल मान रहे हैं, ये जो लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं क्या वो आने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखे जाने चाहिए। 82% लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, 18% इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब विधानसभा चुनाव होना, और बिल्कुल भी वक्त नहीं जब इसके नतीजे आने, तो बस तैयार रहिए, जब नतीजे आ जाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि सेमीफाइनल कौन जीता। बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत शुक्रिया रामलाल जी, बहुत शुक्रिया मित्तल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नामों का ऐलान हो चुका है आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, अगर आप अलवर से हैं, अजमेर से हैं, मांडलगढ़ से, तो आप चुनावों में वोट देने जरूर जाइएगा। हालांकि अपील मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, लेकिन मन बनाइएगा और सोचिएगा, तोलिएगा, सतोलिएगा कि आपको वोट देना किसको है, क्योंकि अभी से बरगलाने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी हर राजनीतिक दल की तरफ से। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही, आप देख रहे हैं इजी राजस्थान।